हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने शपथ कब ली है? 23 सितंबर 2024 को नौवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब एग्जाम्स में किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होगा, क्या हाल ही में निम्न में से किसने श्रीलंका के नौवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा अनुराग कुमारा दिशा नायके। अब राष्ट्रपति चुनाव कब हुए थे श्रीलंका में? तो राष्ट्रपति चुनाव जो हुए थे वो 21 सितंबर 2024 को हुए थे। और यहां बात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या रही कि श्रीलंका के इतिहास में यह पहला अवसर रहा जब राष्ट्रपति चुनाव में 38 प्रत्याशियों ने भाग लिया। अनुराग कुमार दिशा नायके नेशनल पीपल्स पावर के प्रमुख हैं और उन्होंने किसे हराया, अर्थात दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो उनके प्रतिद्वंदी साजिद प्रेमदासा रहे जो कि दूसरे स्थान पर रहे और रानिल विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर रहे। यहां पर एक और बात क्या हुई है कि श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे राउंड के वोटों की गिनती के बाद ही राष्ट्रपति का विजेता घोषित किया गया, क्योंकि पहले राउंड के वोटों की गिनती में कोई भी प्रत्याशी 50% वोट प्राप्त नहीं कर सका। श्रीलंका में यह अनिवार्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए 50% वोट प्राप्त करने होते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि दूसरे राउंड के वोटों की गिनती की जाएगी और दूसरे राउंड की गिनती में अनुराग कुमारा को राष्ट्रपति चुन लिया गया। अनुराग कुमारा दिशा नायके जो है उनका जन्म जो है वो 24 नवंबर 1968 को श्रीलंका में हुआ था और वह अपने स्कूल से यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले छात्र रहे थे। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।